दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मनोज श्री मनोज तिवारी जी ने दिल्ली में एक नई नौटंकी की शुरुआत की है। उन्होंने कल एक दुकान पे जहाँ पे सीलिंग हुई थी, सीलिंग तोड़ी है। जो ये नौटंकी हम मनोज तिवारी जी द्वारा देख रहे हैं, ये दिल्ली की जनता को और दिल्ली के व्यापारियों को भटकाने का एक तरीका है, क्योंकि ये एक स्पष्ट रूप से फिक्स्ड मैच यहाँ पे चल रहा है। और ये नौटंकी इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी दिल्ली की जनता की जो परेशानी है, दिल्ली के व्यापारियों की जो परेशानी है, उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहती। वरना ऐसे कैसे हो जाता है कि जिस बिल्डिंग को भाजपा शासित एमसीडी ने सील किया, वहीं पर सीलिंग तोड़ने के लिए भाजपा के सांसद पहुंच गए। अगर भाजपा को इतनी ही चिंता थी दिल्ली के व्यापारियों को, तो एमसीडी को सीलिंग करने से रोक देती। अगर भाजपा को इतनी ही चिंता है दिल्ली की व्यापारियों को, तो केंद्र में भी उनकी सरकार है, वो केंद्र में अध्यादेश लेके आ सकते हैं, उस अध्यादेश के माध्यम से सीलिंग को रोक सकते हैं। तो सीलिंग रोकने की पावर या तो एमसीडी के पास है जो भाजपा शासित है, या सीलिंग रोकने की पावर अध्यादेश के माध्यम से भाजपा की केंद्र सरकार के पास है। लेकिन भाजपा वास्तविक तौर पे दिल्ली के व्यापारियों की समस्या, सीलिंग की समस्या दूर नहीं करना चाहती है, इसलिए उन्होंने सिर्फ मनोज तिवारी जी को वहाँ पे नौटंकी करने के लिए भेज दिया है, एक फिक्स्ड मैच के तौर पे भेज दिया है, दिल्ली के व्यापारियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भेज दिया है कि हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन हम मनोज तिवारी जी को और पूरी भाजपा को बताना चाहेंगे कि दिल्ली के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि सीलिंग कौन करा रहा है, दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास उनकी समस्या के समाधान की पावर है, अध्यादेश लाने की पावर है, और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता मनोज तिवारी जी को और उनके जो सारी बीजेपी के केंद्र सरकार हैं, दिल्ली में जो सांसद हैं, इस सीलिंग का क्या परिणाम होगा वो दिखा देगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय इस समय पूरी तल्लीनता से भाजपा द्वारा बताई गई रणनीति पर काम कर रहे हैं कि जिस सीलिंग की समस्या से दिल्ली के 7 लाख से भी अधिक छोटे और बड़े व्यापारी प्रभावित हैं, इस हद तक प्रभावित हैं कि कईयों के घर का चूल्हा तक बुझा। एमसीडी के सामने दिल्ली का व्यापारी, दिल्ली की पुलिस के सामने दिल्ली का व्यापारी रोया, गिड़गिड़ाया। और जब इस समस्या का भारतीय जनता पार्टी समाधान प्रस्तुत कर पाने में असफल रही, तो अपने सांसद महोदय के माध्यम से दो काम करने शुरू कर दिए। पहला काम, दिल्ली की जनता को पुनः बेवकूफ बनाए, बरगलाएं, कंफ्यूज करें। और दूसरा काम, व्यापारियों की समस्या का समाधान देने की बजाय अध्यादेश के माध्यम से उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाएं, उनकी मजबूरियों का माखौल उड़ाएं। नहीं तो आप सोच के देखिए, एमसीडी किसकी है? भाजपा की है। माननीय सांसद महोदय किसके हैं? भाजपा के हैं। और दिल्ली की पुलिस किसकी है? भाजपा की है। शुक्रवार को एमसीडी ही एक परिसर पे ताला लगाती है, सीलिंग करती है। भाजपा की जिस एमसीडी ने ताला लगाया, उसी ताले को तोड़ने का ड्रामा रविवार को माननीय मनोज तिवारी जी करते हैं। सब अभी तक खेल बीजेपी के बीच में ही है, और उसी को फिर दोबारा सील कर दिया जाता है सोमवार को एमसीडी के द्वारा, ये कहते हुए कि हमने केस दर्ज किया है परिसर के मालिक के ऊपर और तिवारी जी के ऊपर। इस पूरी नौटंकी में बेचारे मकान मालिक को हासिल क्या हुआ? एक अदद एफआईआर। लेकिन चुनाव के 7 महीने पहले माननीय सांसद महोदय को हासिल क्या हुआ? भरपूर पब्लिसिटी। दिल्ली के अंदर सीलिंग के जिन्न से जो समस्या इजाद की गई है भाजपा द्वारा, उसका एकमेव समाधान हमने पहले दिन से यही कहा है कि अध्यादेश है। सीलिंग की लाठी जब व्यापारियों के ऊपर बरस रही थी,
सातों के सातों सांसद चुप थे। झूठ मूठ का भी कोई सांसद सड़क पे आके किसी व्यापारी को गले लगाकर यह कहता हुआ नहीं दिखाई दिया कि भाई तुम्हारा दर्द जायज है, तुम्हारी शिकायत जायज है, मैं इसे सहानुभूति रखता हूं और मैं अपनी सरकार से जाकर बात करूंगा, मेरी सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी इससे ऊपर उठ के। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिल्ली के व्यापारियों के दर्द से पिघल कर सड़क पर उतरने नहीं आया, उनके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के ये कहने नहीं आया कि हम तुम्हारी तकलीफ से इत्तेफाक रखते हैं, इसका समाधान ढूंढेंगे। और अब क्या हो रहा है कि अब सीलिंग को तोड़कर अपने आप को, भी एक सीलिंग को तोड़कर जो दोबारा सील हो गई, तोड़कर अपने आप को व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा होता दिखाने का ड्रामा किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में तिवारी जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, वैसे स्पष्ट तौर पे जो आम आदमी पार्टी देवन से बात कह रही है उसको आज माननीय सांसद महोदय ने स्वीकार करते हुए कहा कि बिल्कुल एमसीडी भ्रष्ट है, 500,000 रुपए पे एमसीडी के अधिकारी गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। तो हम पूछना ये चाहते हैं तिवारी जी से कि निगम के चुनाव के पहले आपने एक वायदा किया था, नए चेहरे नई उड़ान, इसका मतलब आपने फिर दिल्ली की जनता को नए चेहरे नई उड़ान के नाम पर बेवकूफ बनाकर नए चेहरों में नए कलेक्शन एजेंट बना के बिठा दिया आपने। और अगर ऐसा है तो यह भी भारतीय जनता पार्टी की ही नाकामी और जिम्मेदारी है, यह भी आप ही की नाकामी और जिम्मेदारी है कि आपने जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने के लिए सीलिंग को रास्ता बनाया। आप इस बात को मान रहे हैं फिर कि दिल्ली के व्यापारियों को पिछले 8 महीने में जो परेशान किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया है, आपकी अपनी पार्टी ने परेशान किया है, आपकी अपनी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर नूरा कुश्ती खेलते हुए दिल्ली के व्यापारियों से पैसा ऐंठ रही है सीलिंग के नाम पर। तो इन तमाम स्वीकारोक्तियों के बाद मुझे लगता है कि अगर तनिक भी शर्म बची हो, जिसकी संभावना बड़ी कम है, अगर तनिक भी शर्म बची हो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में और माननीय सांसद महोदय उत्तर पूर्वी दिल्ली के तिवारी जी में, तो पहले तो झूठा वायदा करने के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगे, दूसरा भ्रष्टाचार को उनके आशीर्वाद से, उनके पॉलिटिकल पेट्रोलियम से दिल्ली में बढ़ावा मिला, इसकी नैतिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर आज उन्होंने ली है, लिहाजा उनके पास अब कोई वजह नहीं बचती है अपने पद पे बंद रहने की, अपने पद से त्याग पत्र दे, इस्तीफा दे। ये दो काम अगर करते हुए नजर आते हैं माननीय सांसद महोदय, और तीसरा काम ये कि इस ड्रामे को रोककर सभी सांसद साथियों को लेकर केंद्र की सरकार पे पर्याप्त दबाव बनाकर तत्काल प्रभाव से अगर वो अध्यादेश ले आए, तब दिल्ली का व्यापारी मानेगा कि आप उन कैटेगरीज में नहीं हैं जिन कैटेगरीज में लोग ताले तोड़ के अंदर घुसते हैं, आप उस श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में तालों को खोला जाता है।